गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सीएस भारत। एंड लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक सीरीज ऑन एजीएम के सेक्शंस पर। तो लास्ट क्लास में हमने एजीएम का एक सेक्शन डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 96। आई होप आपको क्लियर होगा वो। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक रीकैप छोटा सा लेते हैं प्रीवियस क्लास का। लास्ट क्लास में हमने 96 पे डिस्कशन किया था कि सेक्शन 96 ऑफ द एजीएम, सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट किसकी बात करते हैं, एजीएम की बात करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग की बात करते हैं। और एनुअल जनरल मीटिंग हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है नहीं तो पहला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर उसे पहली एजीएम बुलानी है, और सब्सिक्वेंट के केस में पढ़ा हमने 6 मंथ्स में आपको बुलानी है। हमने डे भी पढ़ा, हमने डेट भी पढ़ा, हमने वेन्यू भी पढ़ा, हमने टाइम भी पढ़ा। 4 चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, डे डेट टाइम से लेकर हमने स्टार्ट किया था। पहली एजीएम का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था, हमने डे पढ़ा कि डे कौन सा होगा अदर देन नेशनल हॉलीडे। 3 नेशनल हॉलीडे हमारे लॉ में बताए गए हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, दैट इज महात्मा गांधी जयंती। इन 3 डे को छोड़ के आप किसी भी दिन क्या बुला सकते हैं, आपकी कंपनी की एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। हमने डेट भी डिस्कस किया था कि डेट ऑफ एजीएम आपकी क्या होगी। तो डेट हमने क्या बोला था कि 9 मंथ्स में आप कोई भी डेट रख सकते हैं और 6 मंथ्स में आप कोई भी डेट रख सकते हैं, क्या करने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए। तो ये हमारा टाइम पीरियड रहा था। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम कितने बजे बुलाएंगे। तो हमने बोला था कि लो में सिर्फ स्टार्टिंग का टाइम दिया है कि अब 9 एंड 6 के बीच में कभी भी बुला सकते हैं, लेकिन एंड टाइम नहीं दिया गया है। वेन्यू क्या होगा, प्लेस ऑफ मीटिंग क्या होगा, आप रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग करिए, लेकिन अगर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में पॉसिबल नहीं है तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी, टाउन, विलेज में है उसकी लोकल लिमिट्स में आप कहीं भी एजीएम कर सकते हैं, ये हमने प्रोविजन पढ़ा। फिर हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था लिस्टेड कंपनी के केस में। तो लिस्टेड कंपनी के केस में क्या बोला गया कि एक कंपनी एजीएम बुला सकती है, लेकिन उसे एजीएम बुलाने के लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 5 मंथ्स दिए गए हैं फ्रॉम क्लोजर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। आज लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक बोला था कि हम डिस्कस करेंगे क्या, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, एक कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना था। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, जब हम फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में जाते हैं तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में लिखा गया कि वो साल जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। और उसी में आगे लिखा गया, कह रहे कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर डिपेंड करेगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर किस पे डिपेंड करेगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डिपेंड करेगा। सेक्शन में लिखा गया, क्या लिखा गया, अगर आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिफोर 1 जैन है, ऑन और आफ्टर 1 जैन, बिफोर 1 जैन है या आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 जैन है, इस पे डिपेंड करेगा। अब वो कह रहे कि 1 जैन का मतलब क्या है, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर देखूं तो कितने महीने बचे, अप्रैल से लेके दिसंबर, और अगर मैं 1 जैन की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर कितना बचा है, जस्ट जनवरी से लेके मार्च। मतलब 9 मंथ्स यहां आ गए, 3 मंथ यहां रह गए। तो अगर मेरी कंपनी बनी है 1 जैन से पहले, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 10 दिसंबर और 2020, तो आने वाला मार्च, दैट इज 31 मार्च 2021, ये क्या होगा, मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट, मेरे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट हुई। इसका मतलब मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक गया, 31 दिसंबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये मेरे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहां खत्म हुआ तो मेरी फर्स्ट एजीएम कितने महीने में होगी, क्या पढ़ा था हमने, विद इन
9 months of closure of first financial, तो first AGM की डेट 31 दिसंबर के बीच में कभी, मतलब 31 दिसंबर 2020 तक आपकी AGM कभी भी हो सकती है। 31 दिसंबर 2021 जो हमारा 31 मार्च के बाद आएगा, तो 31 दिसंबर 2021 यहाँ से 9 महीने में कभी भी हमारी क्या हो सकती है, फर्स्ट AGM हो सकती है। लेकिन सेकंड केस पे आते हैं, अगर मेरी कंपनी कब बनी है, 1 जनवरी के बाद बनी है, ऑन और आफ्टर फर्स्ट जन, तो फॉर एग्जांपल कंपनी बनी है 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020, तो मार्च कौन सा आएगा, 31 मार्च 2020। बोले ये नहीं, इससे भी आगे चले जाओ, 31 मार्च 2021 ये एंड डेट होगी मेरे पहले फाइनेंशियल ईयर। दैट इज इस केस में फाइनेंशियल ईयर कहाँ गया, जब कंपनी फर्स्ट जैन ऑन और आफ्टर बनी है, तो उस केस में आने वाला मार्च नहीं, उससे भी नेक्स्ट मार्च। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसे दोबारा लेते हैं, 10 जनवरी 2020 ये क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसके हिसाब से मेरी कंपनी का मार्च कौन सा पहला, 31 मार्च 2020, ये नहीं, 31 मार्च 2021 ये है एंड डेट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से भी बड़ा हो गया, पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से भी बड़ा हो गया 2021, और इसके 9 मंथ्स में, दैट इज 31 दिसंबर 2021, ये डेट ऑफ फर्स्ट एज, ये मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर मेरी कंपनी बनी है किसके बाद, जनवरी के बाद, 1 जनवरी के बाद। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बाद से सिंपल। अब हम आते हैं हमारे एक सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 97। सेक्शन 97 में क्या लिखा, अगर डिफॉल्ट हुआ है इन होल्डिंग एजीएम, अगर एजीएम करने में आपने डिफॉल्ट किया है, दैट इज आपने एजीएम टाइम से नहीं बुलाया, तो एनी मेंबर ऑफ कंपनी में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर NCLT, दैट इज कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है क्या बुलाने में, एजीएम बुलाने में, तो एनी मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी का कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है एप्लीकेशन NCLT के आगे, एंड NCLT क्या हो सकता है, बाय ऑर्डर होल्ड करा सकती है, बाय ऑर्डर क्या करेगी, कैन इश्यू डायरेक्शन टू होल्ड AGM, तो डायरेक्शन इश्यू कर सकती है AGM होल्ड करने के लिए, एंड द डायरेक्शन इंक्लूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक, एंड द डायरेक्शन इंक्लूड इवन ए सिंगल मेंबर वेदर प्रेजेंट इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब पर्सनली, वो खुद आया, प्रेजेंट इन पर्सन खुद आया, और थ्रू प्रॉक्सी, या फिर उसने अपनी जगह किसको भेजा, प्रॉक्सी को भेजा, किसी दूसरे पर्सन को भेजा, एक की जगह दूसरा प्रॉक्सी। तो क्या कह रहा है कि इवन ए सिंगल मेंबर वेदर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी विल कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग, तो मीटिंग तब भी वैलिड मानी जाएगी चाहे सिंगल मेंबर आया है, देखो एक पर्सन आया तो भी मीटिंग,
मीटिंग के लिए तो दो पर्सन होना जरूरी है, लेकिन अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर इशू किया है तो इवन ए सिंगल मेंबर भी अगर प्रेजेंट है तो ये भी वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो दो सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए, सेक्शन नंबर 96 हमने लास्ट क्लास में किया था और सेक्शन नंबर 97 आज हमने कर लिया, तो दो सेक्शन हो गए हमारे। साथ के साथ रिवाइज करते रहिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।